नमस्कार, मी अभिनेत्री माधुरी पवार। लवकरच म्हणजे 7 सप्टेंबरला मी तुम्हाला सगळ्यांना भेटायला येते। शूरवीर पोलीस अनिल लक्ष्मण आशाण यांच्या स्मरणार्थ होणाऱ्या दहीहंडी उत्सवासाठी मला आमंत्रित केलेलं आहे माजी महापौर लीलाबाई लक्ष्मण आशाण, तसेच कल्याण जिल्हा प्रमुख अरुण लक्ष्मण आशाण यांनी। थँक्यू सो मच मला बोलवल्याबद्दल। मी येते, तुम्ही सुद्धा या। थँक्यू। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। न घर ए गाड़ी फ्री में मिलन दिया है, ए न कपड़ो लतो, पर हाँ rishto.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में मिलन दिया है, जिते 3000 खां वधिक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिन, ए जिते खास करे छोकरिन जा प्रोफाइल्स सेफ ए सिक्योर्ड रखा वेना आहिन। त जल्दी ही पेंजो नालो रजिस्टर करायो, थी सके तो तवां जो जीवन साथी तवां जो इंतजार कंदो हुजे। rishto.com, सिंधिन जो सिंधिन सा, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर कैंप 5 नेताजी चौक पर हर साल की तरह इस साल भी दही हंडी उत्सव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हैं। शिवसेना नेता व पूर्व नगर सेवक अरुण आशान तैयारियों का वहां जायजा लेने पहुंचे, जहां लाइन पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रंजीत डेरे, पुलिस इंस्पेक्टर पोपट करटकर, विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गायकवाड़ साहब भी सुरक्षा के इंतजामों को देखने पहुंचे थे। उल्लासनगर के नेताजी चौक स्थित दही हंडी उत्सव पिछले 19 वर्षों से कोरोना काल को छोड़ यह उत्सव यहां लगातार बड़ी धूमधाम से किया जाता रहा है। स्वर्गीय पुलिस कर्मचारी लक्ष्मण आशान की याद में इस कार्यक्रम को यहां आयोजित किया जाता है। आइए दही हंडी कार्यक्रम को लेकर और किस तरह की तैयारियां शुरू है इसको लेकर अरुण आशान जी क्या बता रहे हैं। सभी शहरवासियों को मैं आज कृष्ण जन्मदिन की बधाई देता हूँ। आज कृष्ण का जन्म होगा और कल मटकी का कार्यक्रम होगा, कृष्ण जन्माष्टमी जिसको कहा जाता है। हर साल की तरह इस साल भी हमारे भाई के स्मरणार्थ यहाँ पर दहीहंडी का आयोजन किया जाता है। आज इसका 19वां साल है, लगातार 19 साल हम यहाँ पे दहीहंडी मनाते हैं। हमारे जो इस शहर में जो संस्कृति है, जो हिंदू धर्म की संस्कृति है, इसके सभी त्यौहार उल्लासनगर में बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। आज यहाँ पे हर्ष उल्लास का माहौल है उल्लासनगर में। इस दहीहंडी का आयोजन अनिल मित्र मंडल क्या करता था, मगर इस बार का दहीहंडी का आयोजन हमारे जो अध्यक्ष है जय भवानी मित्र मंडल, उनकी तरफ से ये आज हमने आयोजन किया गया है। जय भवानी मित्र मंडल के अध्यक्ष की तरफ से इस बार भी बड़े उत्साह के माहौल में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आप इतनी सारी तैयारी की गई है, माधुरी पवार जो सिने कलाकार है वो यहाँ पे आने वाली है, जिनका आज लावणी सम्राज्ञी करके उनकी एक ख्याति है, जिन्होंने पिक्चर में भी काम किया है, और इस राज्य के मुख्यमंत्री माननीय नामदार एकनाथ शिंदे साहब, इन्होंने जब से ये पदभार संभाला है महाराष्ट्र का, तभी से सभी त्यौहार धूमधाम से मनाए जा रहे, तो उनकी भी आने का उन्होंने निश्चित किया है। यहाँ के लाडले खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब भी यहाँ पर आने वाले हैं। सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी आमदार, सभी पदाधिकारी, सभी नगर सेवक, सभी व्यापारी वर्ग, सभी चाहने वाले, सभी यहाँ के लोग इस दहीहंडी का सालों साल भर इंतज़ार करते हैं कि कभी नेताजी चौक पे दहीहंडी होगी और हम कभी ये त्यौहार देखने जाएंगे। अड़ोस पड़ोस के गाँव के जो मंडल है उनके जहाँ पे जो लोग है, जो बच्चे है, वो तैयारी करते हैं कि इस दहीहंडी के माहौल में वो अपनी पिरामिड खड़े करके यहाँ पे दहीहंडी फोड़े और यहाँ का इनाम लेके जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत ही हर्ष उल्लास से और बहुत ही अच्छे परिमाण में यहाँ पे दहीहंडी का उत्सव हम लोग ने आयोजित किया है। सर, अभी तक कितने मंडल आपसे मुलाकात कर चुके हैं जो दहीहंडी तोड़ने के इसमें? लास्ट ईयर 25 मंडल यहाँ पे आके गए थे। अभी जब से मैंने दहीहंडी का आयोजन करने का उनको कहा है, तभी से 12-13 मंडलों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस साल मुझे लगता है कि 35 से 40 मंडल यहाँ पे आएंगे, जिसमें हम लोकल मंडल को भी सलामी देने के लिए हम लोग उनको कहते हैं कि आप भी आइए, आप भी सलामी दीजिए, और जो सलामी देने के लिए आते उन्हें भी हम बख्शीश और हमारा पारितोषिक जो है वो ट्रॉफी के स्वरूप में हम उनको देते हैं। आपके इस
दही हंडी प्रोग्राम में घटना घटी, उसके लिए अब क्या व्यवस्था है? देखिए, ये साहसी खेल नहीं है, ये पारंपरिक रीत्या दही हांडी का उत्सव मनाने का ये एक त्यौहार है। मगर कोई साहस दिखाने के लिए यहाँ पे अगर ऐसा कुछ करता है तो मैं पूरे महाराष्ट्र में और पूरे उल्लासनगर में सभी से अपील करूँगा कि आप ऐसा कृत्य ना करें। लास्ट ईयर कोरोना के बाद में दही हांडी थी, हमारे भी कार्यकर्ता थे, मगर इस बार हमने ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता की फौज नीचे ऊपर दोनों तरफ रखी हुई है। कुछ भी ऐसा प्रकार नहीं होगा, इसके लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तैयारी और उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील है, और ऐसा कुछ भी प्रकार इस साल नहीं होगा और आगे भी नहीं हुआ, इसकी खबरदारी हमने ली है। सर, आप शहरवासियों से क्या कहेंगे? हम शहरवासियों से कहेंगे, नम्र हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आपको सादर आमंत्रित दे, आप सभी लोग यहाँ पे पधारे, मैं इतना ही कहूँगा। जय श्री कृष्ण। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।